नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आप तक हरियाणा की उस विकास परियोजना को पहुंचाना जो कि प्रदेश सरकार बना रही है। हरियाणा डायरी के आज के संस्करण में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपराध को खत्म करने और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्ती के साथ कदम उठाया है और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर किस तरह से ताऊ का बुलडोजर चल रहा है। देखते रहिए आप हमारा एक खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा को अपराध मुक्त करने के लिए मनोहर सरकार ने जो कदम उठाया है उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। यंगस्टर्स और नशा तस्करों की काली कमाई और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद अपराधियों के अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। अपराधियों का काल मनोहर लाल, ताऊ के बुलडोजर से खौफ में अपराधी, अवैध संपत्ति पर चलता बुलडोजर, बुलडोजर आया अपराधियों की शामत लाया। अपराध का मुद्दा हमेशा ही सभी सरकारों के लिए चिंता का विषय रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद अपराध का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा था, लेकिन मनोहर सरकार ने जो कदम अब उठाया वो अपराधियों के लिए अपराध छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ता। जहां यूपी में बाबा का बुलडोजर है, तो अब हरियाणा में ताऊ का बुलडोजर अपराधियों के अंदर खौफ बिठाने का काम कर रहा है। इस समय जो बुलडोजर पूरे प्रदेश में अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वालों पर चल रहा है, उसके बाद अपराधियों के आगे ऐसी स्थिति है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कह दिया है, बुलडोजर कार्रवाई चलेगी और चलती रहेगी। अवैध काम तो कोई भी जो है अवैध है, उस अवैध को कहीं भी कानून की दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। और खास करके ये लोग जो ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं या जिस प्रकार से ऐसी जो कैटेगरी है अपराधियों की, गैंगस्टर्स की, और ये फिरौतियाँ मांगने वाले ये सब लोग, तो ऐसे लोग उस पैसे का अपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जिसमें उसमें बनाने में काम करते रहे हैं। और ये जो चीज़ रोकने के लिए डर भय बैठाना बहुत आवश्यक है। कानून ने अपना काम किया है और कानून के नाते से, एडमिशन के नाते से जो भी लगता है कि इन चीज़ों को चेक किया जाए वो चेक की गई है। और मैं समझता हूँ सराहनीय काम एडमिशन ने किया है। एक ऐसे लोगों के मन में, एक दहशत जो अपराधी है उसके मन में दहशत बैठाना बहुत जरूरी है, ये करना ही चाहिए। अपराध के खिलाफ सरकार की सख्ती का असर धरातल पर दिखने लगा। रोहतक में नशा बेचकर संपत्ति जोड़ने वालों के खिलाफ ताऊ का बुलडोजर दहाड़ता नजर आया। नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर खोकरा कोट में करीब 600 गज में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। पूरी प्लानिंग हुई, नगर निगम की टीम ही खोकरा कोट पहुंच गए। खोकरा कोट में पहुंचकर अवैध निर्माण को पहले चिन्हित किया गया, कार्रवाई की सूचना ना लीक हो इसकी सतर्कता बरती गई। पुलिस ने बताया कि नशा बेचकर जिन्होंने संपत्ति जोड़ी थी उनके खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। एक महिला तस्कर के 3 घरों को पल भर में ही ढहा दिया गया। आरोपित महिला का पूरा परिवार नशे की बिक्री से जुड़ा हुआ था। अवैध जो निर्माण है उसके खिलाफ चल रहा है। अच्छा, नशे को लेकर क्या? हाँ, शिकायत मिली थी कि नशा बिकता है, बाकी कंफर्म है, लेकिन काफी दिनों से नोटिस भी दिए गए थे लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। अब कार्रवाई हो रही है, जैसे चार करनाल वगैरह सारी जगह हो रही है ना, तो ऐसे ही कार्रवाई की जा रही है। अभी 9 बजे स्टार्ट हुआ है, लगभग सुबह के 9 बजे। मीडिया की तरफ से और कमिश्नर निगम की तरफ से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था कि जिसमें कि जो अवैध एरिया है और अवैध नजर सफाई का काम करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निश्चय कर ले। आज मौके पे एसआई की टीम और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस की टीम यहाँ पे आई है और अवैध कब्जा जो किया हुआ था, जो तथा के जो नाम था उनके अनुसार उस पर कार्रवाई। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, अवैध कब्जे के साथ साथ में जो अवैध नशा तस्करी का कारोबार था वो भी इनके द्वारा किया जा रहा था,
जिसपे कि आज अवैध कब्जे को हटाने की और यहाँ पे तोड़फोड़ की कार्रवाई की। जहाँ यूपी की तर्ज पर हरियाणा में अब ताऊ का बुलडोजर लगातार आगे बढ़ रहा है, अपराधियों की अवैध संपत्ति को ढहाते हुए बस यही कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें, नहीं तो ताऊ का बुलडोजर यूं ही चलता रहेगा। अपराधी नहीं सुधरे तो मनोहर सरकार का कड़ा एक्शन अब देखने को मिल रहा है। हरियाणा में अपराधियों की काली कमाई पर अब प्रशासन का बुलडोजर हर रोज चल रहा है। हरियाणा के सीएम के बाद गृहमंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया कि या तो अपराधी अपराध का रास्ता छोड़ दें, नहीं तो बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। अपराध छोड़ो नहीं तो चलेगा बुलडोजर। अपराधियों के लिए हरियाणा में नहीं कोई जगह। सीएम की चेतावनी, गृहमंत्री के कड़े शब्द। अपराध का होगा पूरी तरह खात्मा। कारोबार से पैसा कमाया है, उससे जो जो जहां जहां संपत्ति बनाई है, हम उस सारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा बुलडोजर चलेगा। अपराधी अपराध छोड़ दो, नहीं तो बख्शे नहीं जाओगे। ये कड़े शब्द और कड़ा संदेश है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। नशा तस्कर, हत्यारे, गैंगस्टर्स, लूट की वारदात को अंजाम देने वाले वो सभी लोग जो किसी न किसी अपराध की वारदात को अंजाम दे चुके हैं या किसी वारदात में शामिल रहे हैं, उनको सीधा और कड़ा संदेश हरियाणा सरकार ने दे दिया है कि अपराध का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो बचोगे नहीं। नशा ले रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, ये इस कारोबार को छोड़ दें या मेरा हरियाणा छोड़ दें, हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सब जगह टीमें बना दी हैं और जो इन्होंने नशे के हरियाणा में तमाम गैंगस्टरों की अवैध प्रॉपर्टी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सीधा सीधा अलर्ट है कि लगातार उनकी प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चलेगा। यही कारण है कि आज उग्रखेड़ी के पास मनोज बाबा, जिस पर 15,000 रुपये इनाम है और करीब सवा एकड़ के करीब में फैली ये गोदाम जो थे, आज उन गोदामों पर पीला पंजा चला है, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ डीटीपी भी मौजूद थे। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए, ज्योति कॉलोनी में जो थे सुरेंद्र काला की, वहां पर भी कुछ प्रॉपर्टी बताई जा रही थी जिस पर अवैध निर्माण था, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम प्रशासन ने उस अवैध कब्जे को छुड़ाया और उसको बहाल किया। लगातार इस तरीके की मुहिम चल रही है जिसमें लगातार जो भी गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं, उनकी अवैध प्रॉपर्टियों को अटैच किया जा रहा है या इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। गैंगस्टर्स अब खौफ में हैं, जेल में बंद हैं, लेकिन उन्हें डर सता रहा है कि अब होगा क्या। जिस संपत्ति को इन गैंगस्टर्स ने धमकियां देकर, फिरौती मांगकर अर्जित किया, अब उस पर हरियाणा सरकार का बुलडोजर तेजी से चल रहा है। हरियाणा सरकार ने बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को सख्त आदेश दिया। करनाल, हिसार, रोहतक समेत कई जिलों में बुलडोजर कार्रवाई के बाद ताऊ का बुलडोजर पानीपत पहुंचा। इस बार निशाने पर था गैंगस्टर मनोज बाबा। पानीपत के उग्रखेड़ी का रहने वाला मनोज बाबा हत्या, वसूली समेत कई मामलों में आरोपी है। उस पर 30,000 का इनाम भी है। उसने बिना अनुमति के 2018 में उग्रखेड़ी में पीर वाली गड़ी में 3 गोदाम बना लिए। अवैध गोदाम बनाए जाने पर उसे नोटिस दिया गया। इसके बाद मनोज बाबा ने इन गोदामों को किराए पर दे दिया। ऐसे में जिला योजनाकार अधिकारी सहित प्रशासनिक और पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर उग्रखेड़ी पहुंची। पूरे क्षेत्र को टीम ने घेर लिया। किसी को भी गोदाम के पास जाने की अनुमति नहीं थी। पहले एक गोदाम को गिराया गया, इस गोदाम से सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया। वहीं 2 अन्य गोदामों से मजदूरों को सामान निकालने का समय तो दिया गया, लेकिन पल भर में ही इसे ध्वस्त कर दिया गया। ये एक अवैध निर्माण है जी, इस अवैध निर्माण को प्रॉपर नोटिस देके और इसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, बिल्कुल प्रॉपर नोटिस है, इंटीमेशन भी है, नोटिस उन्होंने रिसीव भी किया हुआ। ये 3 व्यक्तियों के नाम है, दिलबाग, जगवाल और मनोज के नाम, हमने तीनों को नोटिस दिया। आज ये प्रॉपर्टी मनोज बाबा और उनके परिवार की प्रॉपर्टी है और मनोज बाबा के खिलाफ अभी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, काफ़ी मुकदमे दर्ज है
और उसके ऊपर अब भी 15,000 रुपये इनाम है और वह भगोड़ा है, अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया। जो प्रॉपर्टी आज DTP द्वारा तुड़वाई जा रही है और हमारा काम है फोर्स देना, हमने अपनी फोर्स दे दी है। पहले भी इस तरीके से कभी कार्रवाई की गई थी? अभी वो सुरेंद्र काला ने किसी प्रॉपर्टी पर सेक्टर 13-17 में अवैध कब्जा था, उसको भी तुड़ाया गया था, अभी परसों की बात है, वो भी एक नाजायज तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बनाया हुआ था। और ऐसी कितनी ऐसी प्रॉपर्टियां सर नाजायज जिन पर पुलिस की नजर है, जिस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं? वो DTP का काम है, वो हमारे हमारा काम है फोर्स देना। इसके अलावा भी और कोई प्रॉपर्टी इसकी जिस पर वो सारा DTP के पास में है? सर लोगों का कहना है कि ये उसके भाइयों की संपत्ति है जिसके इनके पास दस्तावेज। वो अपना जवाब देते नहीं, आप उनको नोटिस दे रखा था, उसका जवाब नहीं दे रखा, तो वो आप जवाब देते इस बात का, अपना नोटिस दिखाते या कोई उनके पास में कोई कोर्ट के आदेश है कि हमारी प्रॉपर्टी है तो ठीक। करनाल की कुंजपुरा रोड फार्म हाउस को भी गिराया गया। फार्म हाउस कुख्यात बदमाश नीरज पुनिया का था, जो करीब 7 वर्ष पहले फूसगढ़ गोलीकांड के चलते जेल में बंद है। नीरज को इस वारदात में 2 भाइयों की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 7 साल पहले फूसगढ़ में ये गैंगवार हुई थी। इस चर्चित घटनाक्रम के तहत 2 लोगों की हत्या हुई और इस मामले में जेल में बंद नीरज पुनिया का ये फार्म हाउस था जिसे अवैध तरीके से बनाया गया और DTP के आदेश पर फार्म हाउस के दीवारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यानी संदेश साफ है, गैंगस्टर्स सावधान हो जाएं, गलत काम छोड़ दें, क्योंकि अब प्रशासन का पीला पंजा भी चलेगा और कानून का डंडा भी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने और नशा तस्करों और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए ऐसे अभियान की शुरुआत की है जिससे बदमाशों से लेकर अपराधियों और नशा तस्करों की काली कमाई चंद घंटों में धराशाही हो गई। सीएम मनोहर लाल के आदेशों के बाद प्रदेश में गुंडाराज के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार का मिशन बुलडोजर, अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ हथियार, बेखौफ अपराधियों को बुलडोजर से सिखाया सबक। हरियाणा में अपराधियों से लेकर नशा तस्करों के हौसले बुलंद हुए तो सरकार ने पहले अपराधियों को चेतावनी दी, नशा तस्करों को सुधरने के लिए मौका भी दिया। पहले नशा तस्करों के खिलाफ छोटे स्तर पर कार्रवाई की गई, नशा तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाए गए, लेकिन बाद में भी जब नशा तस्कर और अपराधी बाज नहीं आए तो सरकार ने शुरू किया अपना खास अभियान, बुलडोजर अभियान। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं बल्कि हरियाणा सरकार और पुलिस का वो हथियार है जिससे पुलिस ने बदमाशों और नशा तस्करों को नाकों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की कि नशा तस्करों और अपराधियों की काली कमाई चंद घंटों में धराशायी हो गई। अब चाहे अपराधी जेल की सलाखों में बंद हो या फिर खुले हवा में फरार, लेकिन सरकार के आदेशों के तहत पुलिस ने तो अपना काम कर दिखाया और बदमाशों और अपराधियों की काली कमाई पीले पंजे से साफ कर दी। नशा तस्कर गैंगस्टर जिन्होंने अपने बल के दम पर किसी से फिरौती के पैसे लेके या धमका के पैसे लेके ऐसी प्रॉपर्टियां खड़ी की हैं, उन प्रॉपर्टियों को सबको तोड़ा जाएगा। सबकी पहचान कर रहे हैं, पैमाइश करवाने लग रहे हैं, सबको तोड़ा जाएगा। पंचायत विभाग इसमें अग्रणी है हमारे साथ। पंचायत विभाग के जी जहाँ जहाँ पंचायत विभाग में या किसी और सरकारी जमीन में कब्जे हैं वो डिपार्टमेंट अपनी अपनी लिख के देंगे और हम उनके मदद के लिए तैयार। तस्वीरों में दिख रहा ये विश्नोई गैंग के गुर्गे मिंटू उर्फ बिंटू मोडासिया का वो मकान है जिसे बिंटू ने सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर बनाया हुआ था। इतना ही नहीं, आरोपी पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, जान से मारने की धमकी, शस्त्र अधिनियम और मारपीट करने जैसी कई संगीन धाराओं के तहत हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में कई केस दर्ज हैं। देखिए, मोडरासिया गांव में एक अपराधी है जो मकोका में बंद है, तिहाड़ जेल दिल्ली में सिद्धू मूसेवाला केस में है। उसके खिलाफ 20-22 केस और भी हैं, लूट डकैती हत्या के, और पंचायत विभाग की जमीन थी, पंचायत विभाग के साथ की जमीन में इसने कब्जा करके करीब 7 कनाल के आसपास जमीन है
इसमें 10 फुट की दीवार बना के और ऊपर वायरिंग करके इसने कब्जा कर रखा था नाजायज रूप से। वो नाजायज रूप से कब्जे के पंचायत विभाग के कब्जा छुड़वाने के लिए हम फोर्स लेके इनकी मदद के लिए 3 JCB लेके आके कब्जा छुड़वाया है। किस तरह की गतिविधियां चलती थी इस मकान में? राजस्थान बॉर्डर के नजदीक है। देखिए, संगीन किस्म का अपराधी था, ये स्वाभाविक है कि यहाँ अपराधियों का रुकना ठिकाना होना आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार हमने रेड करी, हम कामयाब नहीं हुए। इस टाइप की ये बिल्डिंग बनाई हुई थी जिसमें भागने के कई रास्ते थे और घुसने का कोई रास्ता नहीं था गेट बंद होने के बाद। यहाँ पर ये भी सुनने में आया कि सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती थी, कोई बाहर का आदमी आया और शायद पहले कांटेदार तार भी थे, कैमरा भी लगे हुए थे, लेकिन परसों पंचायत विभाग ने इनको नोटिस दिया, उसके बाद इन्होंने कैमरे वगैरह उतार लिए और फिर इसके ऊपर लिख दिया भाई ये तो अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं, इस तरह के स्लोगन वगैरह लिखे इन्होंने अपना बचाव करने के लिए। अभी ये कितने मुकदमों में बात हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में ये 20+ मुकदमे में है जिसमें हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, फिरौती, ये इस टाइप के मुकदमे। अब तिहाड़ जेल में मकोका में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में है ये और एक तिहाड़ जेल मकोका के मुकदमे में बंद है। नजाय कब्जा हो रहा था, नोटिस भी दिए थे, 7 कनाल जमीन है, कई बार नोटिस दे चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश तुड़वा रहे। एक इसी तरह बैल भी है, उसको कब्जा हटवाने लिए हम लग। हरियाणा के रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, लोहारू, पानीपत के साथ साथ पलवल जिले में भी पुलिस की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। ये तस्वीरें पलवल जिले की हैं। पलवल के होटल में 2 बदमाशों की कब्जाई जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला, आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार से अगर हालात बिगड़े तो समय रहते बिगड़ते हालातों को काबू किया जा सके। नगर परिषद की जमीन है, इसमें हमके ड्यूटी में स्टेट अपॉइंट किया गया प्रशासन। तो सर कितनी जगह खाली कराएगी? 1 कनाल के आसपास। और मतलब कितनी जगह पर ये तोड़फोड़ की गई है? ये 2 जगह की गई है, एक तो इस पर ऑपरेशन चल रहा है, एक उधर होटल में। तो सर क्या कोई जो बदमाश टाइप के लोग जिन्होंने कब्जा कर, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, एमसी बताइए। होटल ने पुलिस विभाग से पत्राचार किया कि हमारी 2-3 प्रॉपर्टियों पर कब्जा है, तुम्हारे SP साहब के दिशा निर्देश में काफ़ी फोर्स के साथ आए हैं। तो पहला कब्जा था वो बिल्कुल देसिल मोहल्ला के अंदर उफलाला था, जो कि एक बदमाश किस्म का आदमी है, और उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज। तो वो कहाँ पर बंद है आज? वो आज निमका जेड़े बंद है। अच्छा, दूसरे नगर परिषद के लगभग 300-400 गज में कब्जा कर रखा था, तो उसका भी कब्जा खाली करवाया। दूसरी जमीन है धन सिंह उर्फ काजू, ये भी बदमाश किस्म का आदमी है और निमका जेड़े बंद। तो सर इन पर किस तरह के मामले दर्ज हैं? दोनों के ऊपर जिन्होंने नगर परिषद की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा, दोनों के ऊपर हत्या के प्रयास, मारपीट के काफी मुकदमे दर्ज। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी ये मुहिम चालू की है, तो आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी क्या? हाँ, जब नगर परिषद जब भी हमें पुलिस सहायता के लिए बताया कि तो पुलिस सदा इनके लिए तैयार है, चाहे वो बदमाश ने कब्जा कर रखा हो, चाहे किसी आम आदमी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा हो, तो सबका कब्जा हुआ। तो सर मतलब क्षेत्र के अंदर सर कितने बदमाश हैं जिनकी लिस्ट आपके पास है? हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, तो नगर परिषद बताएगी कि उसकी जमीन के ऊपर किस किसने कहाँ कहाँ कब्जा कर रखा है। DSP सज्जन कुमार जी, क्या आप बताएंगे जो ये अपराधी किस्म के लोग हैं, इनकी जमीन की तहकीकात पुलिस करती है नगर परिषद करती है? इनकी जमीन की तहकीकात नगर परिषद ही करती है, और नगर परिषद ही पुलिस विभाग को सहायता के लिए अपना पत्राचार करती है, और जब भी सहायता मांगते हैं तो पुलिस द्वारा उनको पुलिस सहायता प्रदान करती है। जो ये मुहिम चलाई गई है, इसके बाद बदमाश और अवैध कब्जेधारकों में एक दहशत पैदा होने की उम्मीद है, क्या आपको लगता है कि अवैध कब्जों पर रोक लगेगी? बिल्कुल, सरकार की बड़ी अच्छी मुहिम है अपना सरकारी जमीनों पर कब्जा हटवाने की, और जैसे जैसे कब्जे हटेंगे तो सभी को लगेगा, और जिसने काफी आदमी तो अपना आप ही डालेंगे, नहीं तो पुलिस सहायता से हटेंगे। बदमाशों और नशा तस्करों की जितनी भी जमीन पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, उसमें से अधिकतर आवास ऐसे आवास थे जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे। हरियाणा पुलिस ने ऐसे अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सख्त संदेश दिया कि आने वाले दिनों में हरियाणा पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि सितंबर के आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के पुलिस अधिकारियों से खूंखार अपराधियों, गैंगस्टर और नशा तस्करों की सूची तलब करते हुए एक के बाद एक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।
सीएम मनोहर लाल के आदेशों के बाद ही ऐसे बदमाशों, अपराधियों और नशा तस्करों के अवैध जमीन को तहस नहस कर दिया गया। हरियाणा में ताऊ का बुलडोजर अपराधियों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। मनोहर सरकार का यह बुलडोजर फरीदाबाद पहुंचा। नशा तस्कर लाला के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर ऐसे चला कि चंद घंटों में ही 25 अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया। संदेश साफ था, अपराध का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो चाहे जेल हो या बाहर, चैन की नींद नहीं सो पाओगे। ताऊ के बुलडोजर का कमाल, अपराध का खात्मा करेंगे मनोहर लाल। गैंगस्टर्स के अवैध माल पर बुलडोजर का काम, अब बुलडोजर दे रहा सभी सवालों के जवाब। अपराध को लेकर सवाल सभी उठा रहे थे, कैसे क्राइम का ग्राफ नीचे आएगा, कैसे अपराधियों में कानून का खौफ बैठेगा, कैसे जेल में बैठे गैंगस्टर्स की करतूतों पर लगाम लगेगा। इन सभी सवालों का जवाब अब हरियाणा में चल रहा ताऊ का बुलडोजर दे रहा है। एक साथ हरियाणा के कई हिस्सों में अपराधियों के अवैध संपत्तियों पर ये बुलडोजर चलता नजर आया। फरीदाबाद की ये तस्वीरें ये साफ संदेश अपराधियों को दे रही है कि अपराध का रास्ता छोड़ दें, नहीं तो उनके और उनके परिजनों के लिए ये भारी पड़ेगा। फरीदाबाद में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन और फरीदाबाद पुलिस ने अब बुलडोजर का सहारा ले लिया है। बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली नशा तस्कर विजेंद्र उर्फ लाला के अवैध निर्माण पर। सेक्टर 22 एरिया में 25 इमारतें बनाई गई थी जो कि सरकारी जमीन पर बनी थी, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। तोड़फोड़ के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अलावा डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा, डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादियान, एसीपी विष्णु प्रसाद, एसीपी सुखवीर सिंह, एसएचओ मुजेसर सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस प्रवक्ता सुबीर सिंह ने बताया नशा तस्करी के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में फरीदाबाद पुलिस ने अवैध तरीके से कमाई गई काफी संपत्ति को जमींदोज कर दिया है। फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्कर विजेंद्र उर्फ लाला की अवैध संपत्ति पर ये कार्रवाई की, जिसने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर 25 इमारतें बना ली थी, जिसमें 18 दुकानें, 3 मकान, 3 गोदाम और एक ऑफिस शामिल था। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की करीब 2.5 एकड़ जमीन पर कई जगह पर अवैध कब्जे किए हुए थे, जिसे कब्जा मुक्त करवाकर पीपीडब्ल्यूडी के हवाले कर दिया गया। नहीं, लाला का यही था, ये तोड़ दिया गया। अगली कार्रवाई किस पे होगी सर, कोई टारगेट दूसरा? वो तो अगला बताएगा। पहले प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जा हटाने के नोटिस दिए गए, इसके बाद जिला उपायुक्त विक्रम कुमार के दिशा निर्देश पर नायब तहसीलदार बड़खल सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार ध्वज करण कुमार और MCF XCN पदम भूषण को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तोड़फोड़ से एक दिन पहले डीसीपी NIT नरेंद्र कादियान की नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। नशा तस्कर लाला और उसके परिजनों के अपराध की लिस्ट बहुत लंबी है। शुरू में वो शराब तस्करी करने लगा, साल 2011 में अवैध मकान बनाकर रह रहा था। उसके बाद आरोपी हत्या, नशा तस्करी, लड़ाई झगड़ा जैसी वारदातों में शामिल रहा। आरोपी लाला और उसके परिवार के खिलाफ फरीदाबाद में 32 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 21 मुकदमे लाला के खिलाफ, 7 उसके भाई के खिलाफ, 3 लाला की साली और 1 माँ के खिलाफ भी दर्ज है। लाला कई बार जेल की हवा खा चुका है। फरीदाबाद पुलिस के अपराधियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी गई है कि या तो वो गलत काम छोड़ दें और कोई अच्छा काम शुरू कर ले, नहीं तो इसी तरह से बुलडोजर कार्रवाई चलती रहेगी। अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है तो उसका जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और जुर्माना कुछ इस तरह से अब वसूला जा रहा है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है और इन्हें जमींदोज किया जा रहा है।
और हरियाणा डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।